मेरे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और अब मैं हाजिर हूँ रेशों से वस्त्र तक कक्षा 7 के विज्ञान का तीसरा अध्याय लेकर, और ये पहला लेक्चर है। देखिए बच्चों, छठी कक्षा में हमने रेशों से वस्त्र तक या तंतु से वस्त्र तक हमने पाठ पढ़ा, और उसमें हमने किया था कि तंतु जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जो हमें पादप तंतु जो पौधों से मिलते हैं, और दूसरे जंतु यानी जांतव रेशे यानी जंतुओं से मिलने वाले तंतु। पौधों से मिलने वाले तंतुओं के बारे में हमने पढ़ा था कि पटसन है यानी जूट, और क्या था कपास, ये क्या है पादप से प्राप्त होने वाले रेशे और तंतु। इसी प्रकार से जांतव रेशे यानी जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जांतव रेशे। क्या होते हैं, जो रेशे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशे कहते हैं। जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशे कहते हैं। जैसे ऊन, रेशम आदि। तो ये जांतव रेशे हैं। अब आप देखिए बच्चों, इस पाठ में हमने मुख्यतः ये करना कि हमें ऊन प्राप्त होती कहाँ से है और किस प्रकार से, और इसके बाद करना कि रेशम कैसे प्राप्त होता है। तो ऊन हमें जो है आपको पता है जंतुओं के बालों से प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कि हमारे सिर के बाल काफ़ी सख्त होते हैं, जबकि त्वचा पर जो बाल हैं वो नरम होते हैं। इसी तरह जंतुओं के भी शरीर पे जो है उनके कुछ हिस्सों में सख्त बाल होते हैं और शरीर के अधिकतर हिस्सों में बहुत ही नरम बाल होते हैं जिनसे ऊन बनाई जा सकती है। और वही रेशे, वही मुलायम बाल जो जंतुओं के शरीर पे होते हैं, कौन से जंतु, जैसे भेड़ है मुख्यतः, बकरी है, याक है जो लद्दाख में मिलता है, आपने देखा होगा कि बैल की तरह का होता है, ऊंट है। इसके अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका, ये दो जंतु भी पाए जाते हैं, उनके बालों से भी ऊन बनाई जाती है। तो ऊन देने वाले ये जंतु, क्योंकि उनके बालों से ऊन बनती है इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, जंतुओं से आए हैं, वो जंतुओं के बालों से ऊन बनते हैं इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, जांतव रेशे। ये जो ऊन हमें प्राप्त होती है इसको हम कार्तिक ऊन भी कहते हैं, क्योंकि काट के उसको बनाया जाता है इसलिए इसको हम कार्तिक ऊन भी कहते हैं। और इसके लिए हम अच्छे नस्ल वाले भेड़ों का या जंतु बकरियों का या अन्य जंतुओं का चुनाव करते हैं। अच्छी नस्ल कहने का मतलब कि जिनके शरीर के बाल बहुत ही मुलायम हों, इसलिए उसे बढ़िया ऊन बनाई जा सकती है। तो जिनके शरीर पर मुलायम बाल होते हैं उनका चुनाव करते हैं। इसके अतिरिक्त एक विधि भी है जिसके द्वारा हम ऐसे अच्छे बालों वाले जंतुओं का चयन करके और फिर उनसे और अधिक जंतु हम नरम बालों वाले, अच्छे बालों वाले प्राप्त कर सकते हैं, और इस विधि को बोलते हैं वर्णात्मक प्रजनन। क्या कहते हैं, वर्णात्मक प्रजनन, यानी कि अच्छी गुण युवा वाली भेड़ें अथवा बकरियों का चुनाव करके उनसे और अधिक अच्छी गुणवत्ता वाले जंतु यानी भेड़ और बकरियां प्राप्त करना, ताकि उनके शरीर से अधिक मुलायम बाल प्राप्त हो सकें, इसको हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। तो उस विधि को क्या कहते हैं, जिससे हम
अच्छी नस्ल वाली भेड़ें अथवा बकरियां प्राप्त कर लेते हैं, उस नस्ल, उस विधि का नाम है वर्णात्मक प्रजनन। अब कौन कौन से ऐसे जंतु हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त हो सकती है, तो ऊन प्राप्त होने वाले, ऊन देने वाले कौन कौन से हैं, ऊन देने वाले जंतु पूछा जा सकता है आपसे। ऊन देने वाले जंतुओं में बच्चों आपने नाम लिखना है प्रमुख रूप से भेड़, बकरी, याक, ऊंट, एल्पेका, लामा। ये दोनों हमें दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं और ये आपको पता है भेड़ बकरी सबने देखी, ऊंट सबने देखा होगा, याक जो है याक पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, बैल की तरह से होता है और उसका शरीर भी नरम बालों से ढका होता है, तो इनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। याक मुख्यतः तिब्बत में, लद्दाख, कश्मीर के लद्दाख में वहाँ मिलता है, लेकिन अगर आप निचले क्षेत्रों में भी जाएं तो वहाँ पे भी हमें शिमला वगैरह में भी याक देखने को मिल जाते हैं। एक अंगोरा नस्ल की बकरियां होती हैं जो जम्मू और कश्मीर में मिलती हैं, कौन सी, अंगोरा, और उनके शरीर से भी ऊन प्राप्त की जाती है, बहुत अच्छी ऊन प्राप्त की जाती है, कौन सी नस्ल, अंगोरा। अंगोरा ये बकरी की नस्ल है, अंगोरा बकरी से ऊन प्राप्त की जाती है जो बहुत अच्छे दर्जे की ऊन होती है। इसके अलावा पश्म ये कहाँ पे मिलती है, जम्मू कश्मीर में, पश्मीना बकरी, ये भी बकरी है पश्मीना बकरी, और ये हमें कश्मीर के लद्दाख में मिलती है। और उससे पश्मीना शॉलें बनाई जाती हैं, और पश्मीना शॉलें क्योंकि वो पश्मीना बकरी के बालों से बनती है, भेड़ से नहीं। ये दोनों बकरी की नस्ल हैं, अंगोरा बकरी जम्मू कश्मीर में मिलती है, जम्मू में भी मिलती है और कश्मीर में मिलती है, और पश्मीना बकरी जो है लद्दाख में मिलती है मुख्यतः, और पश्मीना की शॉलें बनाई जाती हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध शॉलें हैं। आपको बता दूँ एक बकरी से सिर्फ 80 से 100 ग्राम ऊन मिलती है उससे, पश्मीना से। इसके अतिरिक्त आपको बताया कि दक्षिण अमेरिका में एल्पेका और लामा ये जंतु भी पाए जाते हैं जिनसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। विश्व में अधिकतर जो ऊन है वो हमें भेड़ों से मिलती है। आपको एक बात और बता देता हूँ कि ऊन के जैसे दिखने वाला एक संश्लेषित रेशा भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रीलिक, ऊन की तरह से दिखता है। अधिकतर जो स्वेटर हम पहनते हैं जो पतले धागे की होती हैं वो सारी की सारी जो है एक्रीलिक की बनी होती हैं। भेड़ मुख्य रूप से ऊन के लिए पाली जाती है, और भेड़ जो है एक शाकाहारी जंतु है बच्चों, ये पेड़ पौधों की पत्तियां खाता है और घास खाती है। भेड़ जो है पेड़ पौधों की पत्तियां और क्या खाती है, घास खाती है, यानी शुद्ध शाकाहारी है। इसके अलावा भेड़ को जो है कुछ अनाजें, अनाज भी दी जा सकते हैं, दालें, मक्का या फिर खल, जिसको बोलते हैं ना खल, जो तेल निकालने के बाद जो छिलका बच जाता है वो दी जाती है, खनिज भी दिए जाते हैं। सर्दियों में भी इनको जो है घरों के अंदर ही रखा जाता है, सूखा चारा और अनाज दिया जाता है। मुख्य भेड़ की नस्लें जो प्रसिद्ध नस्लें हैं भारत के अंदर, मैं उनके नाम आपको जो है टेबल में भी दे रखा है फिर मैं बता देता हूँ। एक है भेड़ की प्रसिद्ध नस्ल का नाम, ये तो भेड़ की नस्ल, भेड़ की नस्लें ये, और ये
ऊन की गुणवत्ता जो है इनकी, वो मैं आपको बता रहा हूं कि ऊन की गुणवत्ता और राज्य जहां पर ये पाई जाती हैं, लोही भेड़ की नस्ल का नाम है, जो लोही है वो बहुत ही अच्छी ऊन, अच्छी गुणवत्ता की ऊन मिलती है उसमें, अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है इससे हमें। और ये लोही जो भेड़ होती है वो राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान व पंजाब। ये नस्ल कहाँ पाई जाती है? राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। कौन सी? लोही नस्ल। और बहुत बढ़िया गुणवत्ता वाली ऊन इससे मिलती है हमें। दूसरा है रामपुर बुशायर। रामपुर, बच्चों इसको आपने नोट करना है कॉपी के अंदर और अच्छी तरह से याद भी करना है कि कौन सी भेड़ की नस्ल और उस भेड़ की नस्ल में जो ऊन है उसकी क्या खास बात है और वो कहाँ पे मिलती है। ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल में ये भूरी ऊन देती है, भूरे रंग की भूरी ऊन। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश जो है हमारा, और उत्तर प्रदेश का मतलब ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश उत्तरांचल इन जगहों पे पाई जाती है। इसके बाद नली या नाली, नली नली या नाली भी कह देते हैं इसी को। ये भेड़ की नस्ल जो है ये, इसकी जो ऊन होती है वो मुख्यतः गलीचे बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो नीचे गलीचा होता बेटा वो नीचे बिछाने के लिए, उसमें तो गलीचों के लिए उपयोग में लाई जाती है, गलीचे बनाने के लिए। और ये भेड़ हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में मिलती है। कहाँ मिलती है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन जगहों पे पाई जाती है। बाखड़वाल, ये भेड़ की और नस्ल है बाखड़वाल, बाखड़वाल, बाखड़वाल जो नस्ल है भेड़ की, ये शॉल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, शॉल बनाने के लिए। जम्मू कश्मीर, यहाँ पे मिलती है इन दोनों में। इसके बाद मारवाड़ी भेड़ जो है, मारवाड़ी आपको पता है, नाम से पता लग गया होगा, गुजरात में है, इसलिए ये गुजरात की है। इसकी ऊन जो है मोटी होती है, और ये गुजरात में मिलती है। इसके अलावा बच्चों आपने करना है पाटनवाड़ी, ये भेड़ की एक और नस्ल है। पाटनवाड़ी और होजरी की जो ऊन, ये गुजरात की है, जो हमें बुनी हुई स्वेटरें मिलती हैं। आपको बताया जैसे कि उसमें ज़्यादातर में क्या होता है, एक्रीलिक होता है। और इसके अलावा जो है ये होजरी ऊन पाटनवाड़ी बकरी की भेड़ की होती है। सॉरी, तो बच्चों इनमें जो है
इन भेड़ों में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली लोही और ये भाखड़वाल है, जिनका उपयोग जो है मुख्यतः शॉल बनाने के लिए, स्वेटर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और रामपुर बुशायर लोही जो है बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन है, राजस्थान और पंजाब में मिलती हैं। रामपुर बुशायर जो है भूरी ऊन, भूरे रंग की ऊन होती है उसकी, ज़्यादातर में सफ़ेद की होती है लेकिन इनकी भूरे रंग की होती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल यहाँ मिलती हैं ये भेड़ें। नली या नाली जो है इसकी ऊन ज़्यादा अच्छी नहीं होती, मोटी ऊन होती है, सख्त होती है, इस कारण ये जो है गलीचे बनाने के लिए प्रयोग की जाती है और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन जगहों पर मिलती है। भाखड़वाल की ऊन बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, पतली होती है, मुलायम होती है, इसलिए शॉल बनाने के लिए प्रयोग की जाती है और ये हमें जम्मू और कश्मीर में मिलती है। मारवाड़ी जो है मोटी ऊन होती है भी और ये गुजरात में मिलती है, इसका हम गलीचे इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं या दूसरे स्वेटर बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। पाटनवाड़ी जो है ये भी गुजरात की है, इसका ये पतली होती है ऊन और इसका उपयोग जो है होजरी वाली स्वेटर जो होती हैं, बुनी बुनाई जो आती हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। और ये आज के लिए इतना ही बच्चों, जो आपको बताया गया है कि ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, पहले तो जानतव रेशे किसे कहते हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए, ऊन देने वाले जंतुओं के नाम आपको पता होने चाहिए, बकरियों की मैंने दो विशेष प्रजातियों की बात की है, एक अंगूरा और एक पश्मीना कहाँ पाई जाती हैं, पश्मीना से पश्मीना शॉल ये बकरियों की है दोनों की दोनों। इसके अलावा एल्पेका और मतलब जो जंतुएं आपको, एल्पेका है, लामा है, ऊंट है, याक है, भेड़ और बकरी, इनसे हमें ऊन मिलती है, इनका सबका पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको भेड़ क्या खाती है, भेड़ शाकाहारी होती है, भेड़ की नस्लें और उनसे प्राप्त होने वाली ऊन और वो कहाँ पर पाई जाती हैं ये आपको पता होना चाहिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, बड़ों का सम्मान करें और हर रोज़ अपना काम करें। हैव ए नाइस डे।